मामला न्यायपालिका में है, इसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सही कहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा, सौंपिए 12 घंटे के 24 घंटे के 12 घंटे में बंदी बन जाएगा। नाराजगी लोगों की हो, लेकिन कानून और सरकार के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। डिले डिले डिले, और जो चीफ जस्टिस हैं और अन्य 2-3 जज हैं, उनका जो व्यवहार है वो तीसरी इस न्याय में बाधा है। लेट जस्टिस इनजस्टिस, लेट जस्टिस इनजस्टिस। न्यायपालिका इतना विलंब क्यों करी? अगर इस तरह से न्यायपालिका निर्णय देना शुरू करो तो देश की समस्याओं का समाधान अगले 500 वर्ष में होगा क्या? जब तनख्वाह बढ़ाना होता है तो सब एकजुट हो जाते हैं, और राम मंदिर पे क्यों एकजुट नहीं होते? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही तारीख टल गई। जी हाँ, 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब वो टल गई है। बताया जा रहा है कि जस्टिस बोबड़े 29 जनवरी को उपस्थित नहीं रहेंगे, लिहाजा ये सुनवाई नहीं होगी। साथ ही सुनवाई की नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया है। अयोध्या मामले पर 25 जनवरी को नई बेंच गठित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने नई बेंच में जस्टिस अशोक भूषण और अब्दुल नजीर को शामिल किया था। इससे पहले जस्टिस बोबड़े और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सीजीआई रंजन गोगोई इस बेंच में हैं। 5 जजों की बेंच 29 जनवरी को अयोध्या मामले पर सुनवाई करने वाली थी, लेकिन अब इस सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जज भी इंसान होता है, इंसान की तबीयत भी खराब होती है। इससे पहले लास्ट वीक भी जस्टिस बोबड़े साहब 3-4 दिन नहीं बैठ पाए थे, क्योंकि पता लगा था उनकी तबीयत इसी अवेलेबल नहीं, क्योंकि उनकी इज नॉट वेल, तबीयत ठीक नहीं। तो ऐसा अक्सर होता है। अब इंसिडेंटली ये 5 जज की बेंच थी, वो असेंबल नहीं हो पाएगी एक जज साहब के ना होने की वजह से, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई जो अर्लीस्ट डेट होगी वो फिक्स करेंगे। देखिए, जस्टिस बोबड़े का इसमें दिखाया जा रहा है कि मतलब वो उपस्थित नहीं है, इसलिए इस केस को फिर से एक बार टाल दिया गया है। इसलिए हम लोगों को काफ़ी मायूस होना पड़ रहा है कि इस केस को लेकर के, कि बार बार जो टाला जा रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। किसी न किसी वजह के चलते सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई टल जाती है। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू होनी है। सरकार कहती है कि वो फास्ट ट्रैक सुनवाई चाहती है और संविधान के दायरे में मंदिर का निर्माण कराना चाहती है, जबकि साधु संतों का कहना है कि मोदी सरकार को इस पर अध्यादेश लाना चाहिए। कि देश की बहुत बड़ी जनता की अपेक्षा है कि वहां एक भव्य राम मंदिर बने। हमारी ओर से बार बार कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस मामले का संवैधानिक रूप से निपटारा होना चाहिए। तो ये अपील जो अब 70 साल पुरानी हो गई पूरा सूट, तो इसका निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। राम का जन्म कहाँ हुआ, हम संत महात्मा हमारे धर्मशास्त्र करेंगे कि कोर्ट करेगा? ये तो उलझाने वाली बात है। उन्होंने सही कहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा, सौंपिए 12 घंटे के 24 घंटे के 12 घंटे में बंदी बन जाएगा। जज साहब छुट्टी पे गए हैं, छुट्टी की परंपराएं पुरानी है, अगर अधिकारी है और कर्मचारी है छुट्टी लेगा, हमारा कोर्ट के ऊपर कोई दबाव नहीं है। कोर्ट के ऊपर मेरा कोई, लोगों की नाराजगी तो बढ़ रही है। नाराजगी लोगों की हो, लेकिन कानून और सरकार के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई के लिए फिर से नई तारीख आएगी, लेकिन कुंभ में साधु संतों ने संसद बिठा दी है और ये संसद सरकार से सॉलिड जवाब मांग रही है।